हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बनने जा रहा है रिगार्डिंग द न्यू मंथ साइड क्वेस्ट इवेंट क्वेस्ट जो भी आया हुआ है सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मैसेज पढ़ेंगे कि क्या है ये, क्या हो क्या रहा है। वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज़ एंड गर्ल्स। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हो और ये सब आज हम कवर करने जा रहे हैं। देखेंगे कि क्या करना है इस साइड क्वेस्ट में, कैसे करना है, क्यों करना है, रिवॉर्ड्स कैसे हैं, अच्छे हैं, बेकार हैं, ठीक है, सब पढ़ के ही समझ आएगा गाइज। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब प्लीज़ ठोक देना गाइज, प्लीज़ ज़रूरी भूलना मत गाइज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वीडियो बनाए हुए, बट आज बनाने की सोची मैंने, वाई नॉट, बनाना भी चाहिए वीडियो जब भी टाइम मिले। आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला अपने लिए एंड आई वांटेड टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। सो एज यू कैन सी ये है स्वीट्स हैव बीन स्पॉटेड टेक पार्ट टाइम इन दिस लिमिटेड टाइम इवेंट, उसने बोला है। ये स्पॉटमैन है शायद और यहाँ डेडपूल निकला हुआ उसके एक स्पॉट से और उसकी टॉफियाँ बनी हुई है, लॉलीपॉप बनी हुई है, तो देखते हैं क्या है। नवंबर 9 को शुरू होगा, नवंबर 9 तक पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहले तो डेडपूल का ही मैसेज आ गया है कि डेडपूल मैसेज ओवर राइड कह रहा है, उसने कोई बकवास लिखी हुई है। स्पॉट हैजंट इवन बीन इन बैटल रैम फॉर 5 मिनट्स येट ही इज़ ऑलरेडी स्टोलन माई हेलोवीन कैंडी। अच्छा, तो डेडपूल की कैंडी चुरा ली है हैलोवीन। अगर आपको नहीं पता, काफ़ी फेमस वो है, फेस्टिवल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जहाँ पर वो भूतों की तरह बनकर बाहर निकलते हैं घर से और इंजॉय करते हैं और टॉफियाँ देते हैं एक दूसरे को, बच्चों को स्पेशली, या ट्रिक कर देते हैं, डरा देते हैं, या ट्रीट मिलती है। अगर बच्चे डरते नहीं हैं तो उनको टॉफियाँ मिलती है। सारे नेबर जो होते हैं वो डराने में नहीं लगे रहते, पर कुछ कुछ होते हैं जो डराने में लगते हैं और काफ़ी बच्चे उनके घरों में नहीं जाते टॉफियाँ मांगने, क्योंकि वो बाहर से ही डर जाते हैं। तो ये है हैलोवीन का उनका क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट। बाकी हम जैसे लोग पार्टी करने के लिए कोई सा भी दिन आ जाए हम रेडी रहते हैं। तो ओके, तो वो कह रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है द कैंडी। अच्छा, तो कैंडी का कुछ खास महत्व है शायद इस महीने, देखते हैं क्या वो महत्व है। वो कह रहा है कि पर फिक्र मत करो, आप मेरी कैंडी वापस ला सकते हो बाय कलेक्टिंग स्पॉट्स। तो आपको स्पॉट कलेक्ट करने हैं जिससे आपको एंट्री मिलेगी स्पॉटेड डायमेंशन में। हाँ, फिर वो कह रहा है कि नो डाउट स्पॉट हैज़ ऑलरेडी गिवन सम ऑफ हिज स्पॉट्स अवे। अच्छा, तो कह रहा है कि स्पॉट ने अपने स्पॉट्स दे दिए हैं विलन्स को, सो दैट दे कैन होल्ड ऑल दैट डिलिशियस कैंडी फॉर देमसेल्स। अच्छा, तो बकवास ही लिखी है। आई विल टेल यू हु टू बीट अप एंड यू गेट माई कैंडी बैक फॉर मी डील। तो कह रहे हैं कि विलन्स हैं जो भी गेम के, उनके अगेंस्ट अगर आप लड़कर लाओगे तो वो आपको बताएगा कि कैंडी कैसे वापस लानी है। वेट, यू वांट रिवॉर्ड्स फॉर रिटर्निंग माई कैंडी? हाँ फाइन। तो कह रहे हैं आपको रिवॉर्ड भी चाहिए मेरी कैंडी वापस करने के लिए? ऑब्वियसली चाहिए, हम पागल थोड़ी हैं जो ये गेम खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं ओके, आई विल लेट यू फिगर आउट हाउ टू डू दैट एज आई रिटर्न टू योर रेगुलर अनडेडपूल्ड मैसेज आई गेस। तो कह रहा है कि अनडेडपूल वाला जो मैसेज है वो पढ़ो, उसमें समझ आ जाएगा आपको। तो स्पॉटेड डायमेंशन रिफ्ट क्वेस्ट है जो साइड क्वेस्ट लग रहा है हमें, अगर हम जाकर देखें फटाफट। ये देखिए स्पॉटेड डायमेंशन क्वेस्ट है कुछ, और इसमें आपको चाबियां कलेक्ट करनी है, मतलब टॉफियां कलेक्ट करनी है, ये स्पॉट ये कलेक्ट करना है। डिफीट अ विलन हु वाज वन इम्प्रिजेंड इनसाइड अ डोरमेंट वॉल्केनो, प्रैक्टिस फाइट्स डोंट काउंट। अच्छा, ओ तो ड्यूअल ही करना है। डोरमेंट वॉल्केनो के अंदर कौन था? मैं कर चुका हूँ, तो शायद वो साइड क्वेस्ट जब इवेंट क्वेस्ट शुरू किया था तो उससे ही हो गया, खुद ही हो गया मेरा कैंडी कलेक्ट। पर अगर आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे MCOC ट्रूकोस को फॉलो कर सकते हो, वो रोज़ आई थिंक अपडेट डालता था पहले, तो अब पता नहीं, वरना वो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव आपको कहीं ना कहीं लाइन ऐप में या वगैरह में दिख जाएगा, वरना मैं सोलो मैं डाल दूँगा छोटी वाली वीडियो जो शॉर्ट्स कहते हैं जिसको, देखते हैं। ओके,
तो कह रहा है स्पॉटेड डायमेंशन रिफ्ट क्वेस्ट है कि एक क्वेस्ट में चार डिफ़िकल्टी है और रैंडम पाथ है, डेली सोलो ऑब्जेक्टिव करने हैं आपको स्पॉट करने के लिए, जो अभी दिखाया आपको विलन को हराना है, विच विल गिव यू एक्सेस टू दिस स्ट्रेंज रिफ्ट। तो रिफ्ट वाले क्वेस्ट ज़्यादातर अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें रिवॉर्ड्स मोटे ही होते हैं। तो कह रहे हैं जब आप अंदर आ जाओगे आप कलेक्ट करोगे डेडपूल की कैंडी, ओके टू ट्रेड इन फॉर रिवॉर्ड्स एट कैंडी शॉप। अच्छा कैंडी शॉप भी बनाई हुई है कुछ बढ़िया सी, जब आप अपने एनिमीज़ को हरा दोगे तो यू विल बी एबल टू एंटर द क्वेस्ट 35 बारी 35 वाइल इट्स एक्टिव इफ़ यू कंप्लीट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स अवेटिंग यू। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करोगे और 35 बार कर सकते हो। देखो 34 दिन लिखा हुआ है तो डेली आपको लॉगिन करके करने की ज़रूरत नहीं है, ये शायद स्टैक होंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव, तो ये बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, आपको वो ध्यान देना पड़ेगा गाइस। ठीक है समझ गए आप लोग, मैं समझ रहा हूँ। हाँ कहाँ गया, स्वीट्स हैव बीन स्पॉटेड। हाँ तो ठीक है समझ गया मैं, डेली ऑब्जेक्टिव आएगा और डेली कलेक्ट करना है, फाइन। स्पेशल सोलो ऑब्जेक्टिव एंड इवेंट, तो कह रहे हैं चेक इनटू द कॉन्टेस्ट डेली एज स्पेशल ऑब्जेक्टिव हिंट एट विच चैम्पियन नीड्स टू बी टेकन डाउन, ये तो अभी पढ़ा है हमने। फाइट ऑन द साइड ऑफ द गुड गाइज विद वीकली सोलो इवेंट दैट विल पुट द स्पॉटलाइट ऑन विलन चैम्प्स विच यू नीड टू टेक डाउन विद योर हीरो चैम्प्स। तो आपको विलन चैम्प्स हराने हैं, सोलो इवेंट बोला था ना इसने, सोलो इवेंट है कुछ, आई वॉन्ट कैंडी, अच्छा यही है शायद, विन अगेंस्ट वन स्टार विलन, टू स्टार, सिक्स स्टार विलन, यूज हीरो चैम्पियन, ये तो हो भी गया यार, मैंने अभी तक आई थिंक एक ही कोई क्वेस्ट किया है टाइम पास के लिए, पर ये हर हफ्ते आएगा तो मतलब ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें क्या रिवॉर्ड है, इसमें आपको क्रिस्टल शार्ड मिल रहे हैं, ठीक है, कैंडी के क्रिस्टल शार्ड मिल रहे हैं काफ़ी सारे हैं, वो कलेक्ट कर लेंगे। ओके ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही आराम से हो गया। ओके क्योंकि कल आया एक्चुअली इवेंट, तो हो गया, ठीक है। फॉर दोज हु हैव बिकम थ्रोन ब्रेकर और हायर, कंप्लीट स्पॉटेड डायमेंशन क्वेस्ट ऑन लेजेंडरी डिफ़िकल्टी, तो आपको फिर से सेम ही है ये वाला सोलो ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, आपको 9000 ये मिलेंगे और 11000 ये मिल जाएंगे। बढ़िया है, समझ गए। अच्छे रिवॉर्ड है, अभी लग रही ये वाले तो अच्छे ही रहते हैं हमेशा। कैंडी स्टोर और कैंडी क्रिस्टल चार्ट तो दिखा दिया आपको। कैंडी स्टोर का कह रहा है कि यू डोंट नीड टू रॉट योर टीथ, आपको अपने दांत नहीं सड़ाने, पर डेडपूल का हीलिंग फैक्टर इज बेटर दैन अ डेंटल प्लान। तो अपनी कैंडी को ट्रेड करो बैक टू मर्क विद अ माउथ टू गेट रिवॉर्ड्स इंक्लूडिंग क्रिस्टल शार्ड कैटलिस्ट एंड मोर, अ स्पेशल कैंडी क्रिस्टल विल बी अवेलेबल एट द इवेंट। ठीक है तो वो सब तो है ही, और यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो स्टोर भी आया होगा शायद, कैंडी शॉप आ गई है, और यहाँ पे आपके लेवल के हिसाब से आप अपने जो भी रिवॉर्ड्स कलेक्ट करना चाहो कर सकते हो गाइज, है ना। यहाँ पे सबसे टॉप क्या है, कैवलियर एंड अबव के लिए, तो शुक्र है पैरागॉन का लेवल नहीं बनाया यहाँ पे। सो गोल्ड जो सबसे ज़्यादा चाहिए होगा आपको वो तो चाहिए, और गोल्ड वाला इवेंट भी आ रहा है, और अगर आप देखोगे मेरे पास बहुत ही कम गोल्ड है। अच्छा ये तो मेन अकाउंट है, 5.4 मिलियन ही गोल्ड है, 1 करोड़ कुछ गोल्ड चाहिए शायद, पर क्रिस्टल्स खोल के देखेंगे कि हम वो डेडपूल वाला जो ऑफर लास्ट ईयर आया था जिसमें रैंक अप जेम मिला था, 6 स्टार क्रिस्टल मिला था, नेक्सस क्रिस्टल मिला था गोल्ड से खरीदने वाला, वो हम कर पाएंगे कि नहीं। तो चलो गाइस ये वाला मैंने सुपर स्क्रल को हरा के ले लिया था स्पॉट, और अब एंट्री लेते हैं इसमें साइड क्वेस्ट में और देखते हैं। हम तो लेजेंडरी डिफ़िकल्टी ही करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या रिवॉर्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स तो हैं ही नहीं क्योंकि ये वाला है रैंडमाइज्ड। और टीम देखें क्या लेके जानी है, किटी रख लेते हैं एक, ओके और हम रख सकते हैं ये अपना बंदा, ओके और क्या रख सकते हैं, आई थिंक ये ठीक है टीम, है ना, टीम ठीक लग रही है। चलो बिगिन करते हैं क्वेस्ट, और आई थिंक क्विट नहीं कर सकते वरना आपका कुछ ना रिवॉर्ड मिलेगा ना कुछ मिलेगा इसमें। ओके अब यहाँ पे पहले वाले क्वेस्टों में क्या होता था कि एक अलग पाथ दिया होता था जिसमें आपको रैंडमाइज़र, अगर आपको रैंडम वाले इवेंट रिवॉर्ड नहीं चाहिए
तो आप वो कर सकते हो। तो पाथ ये देखूंगा जिसमें 90% चांस है जाने का, तो वहाँ मिलेंगे आपको 20,000 कैंडी। और अगर पाथ बी देखेंगे 2% चांस है, 2 मिलियन गोल्ड। अरे कमाल है भाई। पाथ सी में है टीयर फाइव ओबे व्हाट टीयर फाइव क्लास का एटलीस्ट। पार्ट डी में 6-स्टार सिग्नेचर स्टोन एक है, ये तो बहुत ही गंदा है। पाथ ई है 2 टीयर 5 बेसिक कैटलिस्ट। पाथ एफ है 10,000 6-स्टार शार्ड। ओ माय गॉड, दीज आर गुड जूसी रिवॉर्ड्स। पाथ ई है 5-स्टार अवेकनिंग जेम, 6-स्टार अवेकनिंग जेम, व्हाट। लेट्स सी हमारी किस्मत हमें कहाँ लेके जाती है। आई एम सेइंग चांस इट, और ऑब्वियसली 90% पे ही जाओगे। ओ माय गॉड, दीज आर स्पाइसी रिवॉर्ड्स गाइस। किसी ना किसी की किस्मत तो चमकेगी ही। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास नोड होंगे, सो नथिंग टू वरी। पेलते हैं इसको, वेन ऑफ द डक को। कुछ तो नोड है क्योंकि उसको आर्मर ब्रेक लग गया अनफॉर्चुनेटली। All right, let's evade a special one. And let's go for our spicy special 2. And he's dead. Juggernaut 6 star rank 3 awakened ka dhasu kamal dekh lo guys. Yahan boss kya hai? Dr. Doom hai. Dr. Doom ke liye main koi laya nahi hu khas counter. Rakh lunga aage se. Next fight hai Mole Man ki, jiske liye hum leke jayenge ये बंदा हरक्यूलिस। हरक्यूलिस के साथ ट्राई करते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा लाइट इंटरसेप्ट भी देते हैं, हैवी चार्ज भी कलेक्ट कर लेते हैं अपना। ऑलराइट, ओ ओ ओ ओ, चलो भाई साहब दे दो अपना, दे 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 दे। अब उसका मॉन्स्टर मास एकदम सेट होकर बैठा हुआ है, तो उसके ब्लॉक पे मारूंगा मैं। आए हिडन इंटरसेप्ट में, अनोइंग। हाँ, इसके ब्लॉक पे मारना है ताकि फ्रेंजी एक्टिवेट हो जाए। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर अ हैवी एंड स्पेशल टू नाउ। थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा लग रही है मुझे, कम कर देते हैं। ओके, तो वेरी सिंपल फाइट, कोई टेंशन नहीं हुई। टेंशन मेरे को बस डूम की हो रही है, क्योंकि डूम के लिए मैं कोई प्रॉपर काउंटर लाया नहीं हूँ। बस इन्हेंस्ड पैरी वाला कुछ नोड है, आई डोंट नो क्या पॉइंट है उसका। ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन लेके चलते हैं, रैंक 3 6-स्टार की, काफ़ी अच्छा डैमेज देती है। एंड लेट्स जस्ट गो। मतलब इस बार ज़्यादा कोई फालतू क्वेस्टिंग नहीं करने की, सारी डिफ़िकल्टियाँ करो पागलों की तरह। पिछले महीने ऑनेस्टली गाइस मैं कर भी नहीं पाया, मैंने किया ही नहीं है एक्चुअली, और उसी बात का मेरे को दुख हो रहा है अभी कि क्यों नहीं किया। एक बार इसको इवेट करो, ये स्पेशल दे दे एंड गो फॉर माई स्पेशल 2। मर जाना चाहिए लॉजिकली, नहीं मरा, 30% ही हेल्थ ली है बस। हाँ, अच्छा इंटरसेप्ट दिया मैंने, 6% पे आ गया ये। आए पहली नहीं लगी, ब्लॉक दबा रहा था क्या मैं। ओके, ही इज डेड। चलो जी, कैंडिया कलेक्ट कर लेते हैं अपनी। गाइस रिवॉर्ड्स तो बहुत ही धांसू हैं, लेजेंडरी डिफ़िकल्टी ही करना, चांस कम है मिलने का, पर कैंडी तो मिलेगी ही आपको, बट कुछ ना कुछ मिल सकता है गाइस। क्रिटिकल सेटअप है कि कॉम्बो आप ख़त्म करोगे एक क्या बोलते हैं मीडियम से या लाइट से, तो वो लास्ट वाला हिट क्रिटिकल होगा। कॉम्बो पार्टी है हर 10 सेकेंड, अच्छा कॉम्बो पार्टी तो बताया कि हर 10 हिट पे आपको क्रुएल्टी मिलेगी, पर अगर आप पिट गए तो आप पिटोगे। मैं ऐसे ही हरक्यूलिस लेके जा रहा हूँ, देख रहा हूँ
कि कुछ कर पाएगा कि नहीं, कर तो नहीं पाएगा एक्चुअली, इतना डैमेज डैमेज का शॉक ही मिल जाएगा इसे। ओके स्पेशल नहीं दे सकता अब मैं, लेट्स वेट कि उसका ऑरा ख़त्म हो जाए। हाँ मीडियम लाइट एंड ब्यूटी, अब इसका स्पेशल वन नहीं दिलवाना है इसे, स्पेशल टू ही दिलवाएंगे। क्रिटिकल दे भाई, कुछ तो क्रिटिकल दे। तीन तीन लगे हुए हैं मुझ पे। ओके ब्यूटीफुल डेक्स, स्पेशल टू टाइम, छः मेरे पे आ गई हैं क्रुअल्टी, क्रिटिकल एक भी नहीं पड़ रहा, पर पड़ गया एक के दुख के पड़ गए हरक्यूली से भी, एंड दिस क्वेस्ट इज़ डन। तो अब अनफॉर्चुनेटली हम बाकी डिफ़िकल्टी कर नहीं सकते, और शुक्र है नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही अनवाइंग हो जाता है क्वेस्टिंग करना, फिर साइड क्वेस्ट में फिर मज़ा नहीं रहता, और इन्होंने रिवॉर्ड इतने धांसू दिए हुए हैं गाइस कि ऑब्वियसली मज़ा आएगा। यहाँ पे हम देखें अगर तो सबसे जूसी स्पाइसी रिवॉर्ड क्या है, आई थिंक सिक्स स्टार शार्ट कैवेलियर एंड अबव वालों के लिए होगा, 15,000 में 650। अब पता नहीं कितने मिलेंगे हमें कैंडी, वो मेरे को गणित देखना पड़ेगा। बाकी रिवॉर्ड्स तो ठीक ही ठाक हैं यहाँ के, जो फ्री में मिल रहा है ले लो, क्या जा रहा है आपका। बट द इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अरे ये लैप्स हो रहा है यार। ओके हाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यार, भूल गया। हाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी किस्मत चमकी तो आपको 6-स्टार अवेकनिंग जेम मिल सकता है, टीयर 5 कैटलिस्ट मिल सकता है क्रिस्टल, टीयर 5 बेसिक कैटलिस्ट मिल सकता है, 2 बहुत बहुत स्पाइसी रिवॉर्ड्स हैं गाइज। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है आपको, आई है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मैं आपको मिलूँगा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।